हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर यानी मटिल्डा कैन डू मैजिक के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी आश्चर्यजनक घटना घटी थी और मटिल्डा ने इस बारे में अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया था? इसका आंसर है, जब मिस ट्रंचपुल मटिल्डा के क्लास में आई थी तो उनके पानी के ग्लास में किसी ने न्यूट डाल दिया था। इसका आरोप उन्होंने सीधे मटिल्डा पे लगाया और मटिल्डा को स्कूल से निकाल देने की धमकी भी दी। मटिल्डा ने इस बारे में अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके पेरेंट्स मटिल्डा पे भरोसा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ एक लाइन दी गई है, कुड यू डू इट अगेन। तो स्पीकर मटिल्डा से क्या करवाना चाहती थी और वो उसे दोबारा करने को क्यों बोल रही थी? इसका आंसर है, स्पीकर मटिल्डा से वही एक्ट करवाना चाहती थी जो उसने क्लासरूम में किया था। उन्होंने मटिल्डा से दोबारा करने को इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मटिल्डा का एक इमेजिनेशन है, कोई रियलिटी नहीं, और वो इसे बड़े प्यार से खत्म करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हमें अपने वर्ड्स में बताना है कि मटिल्डा ने ग्लास को कैसे गिराया था। इसका आंसर है, बिना अपना मुंह खोले और बिना आवाज निकाले उसने ग्लास को ऑर्डर दिया, टिप ग्लास टिप। उसने ये शब्द अपने दिमाग में बोले थे, वो ग्लास पे कंसंट्रेट किए हुए थी और अपने दिमाग में बार बार ग्लास को ऑर्डर दिए जा रही थी। धीरे धीरे वो ग्लास उठा, टेढ़ा हुआ और फाइनली गिर के टेबल पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, You seemed so far away. Miss Honey इन शब्दों से क्या कहना चाहती हैं? इसका आंसर है, जब मटिल्डा ने अपनी आंखों की मदद से उस ग्लास को गिरा दिया तो मिस हनी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। उन्हें लगा जैसे मटिल्डा के अंदर कोई अद्भुत शक्ति हो जो उसे बाकी बच्चों से बहुत अलग करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, मटिल्डा के अंदर क्या खास बात थी और आपको क्यों लगता है कि वो खास बात मटिल्डा को स्पेशल बनाती थी? इसका आंसर है, मटिल्डा के अंदर खास शक्तियां थी। वो चीजों को अपनी आंखों से मूव करवा सकती थी। वो अपने पावर को अच्छे कामों के लिए ही यूज करती थी। ये पावर उसके एज के बाकी किसी बच्चों में नहीं था, इसी वजह से ये शक्ति उसे स्पेशल बनाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, जब मिस हनी ने पहले मटिल्डा पे भरोसा नहीं किया लेकिन फिर भी उन्होंने मटिल्डा को एक चांस दिया ताकि वो खुद को सही प्रूफ करके दिखा सके, इससे आप मिस हनी के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मिस हनी ही एक ऐसी इंसान थी जिस पे मटिल्डा भरोसा कर सकती थी? इसका आंसर है, इस घटना से हम ये कह सकते हैं कि मिस हनी एक बहुत ही उदार और दयालु टीचर थी। बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है ये उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। वो बच्चों को हर एक मौका देना चाहती थी ताकि वे अपने स्किल को और भी ज्यादा बढ़ा सके। साथ ही हम इससे ये भी कह सकते हैं कि मिस हनी ही एक ऐसी इंसान थी जिसपे मटिल्डा भरोसा कर सकती थी। I hope it will help all of you. Thank you for watching.